मध्य प्रदेश में आगामी 22 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा खंडवा चुने में प्रवेश करेगी। इससे पूर्व तैयारियों का जायजा लेने आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कई सवाल उठाए। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी MIM और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा कि जो पैसा एक्ट है तो लागू किया गया है वह कांग्रेस सरकार की रणनीति थी, लेकिन जो हमने दिशा निर्देश दिए थे उनको लागू ना करते हुए इस कानून में कई खामियां शिवराज सरकार ने रखी हैं। इस अवसर पर भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी अवधेश सिंह सिसोदिया, पूर्व सांसद अरुण यादव और अन्य नेता मौजूद थे। भारत जोड़ो यात्रा इस देश की अनेकता में एकता का जो स्वरूप है उसको और विषमता को दूर करे, सांप्रदायिक कटुता को दूर करे, न्याय को सभी लोगों को मिले। ऐसा कानून कांग्रेस पार्टी सरकार थी तब उसको मतलब पूरी तरह से बनाया था और लागू करना बीच में सरकार चली, पर भाजपा ने तोड़ मरोड़ करके उसको बना पूरी तरह से गरीबों के हित में नहीं।